दोस्तों, दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस ने सभी को अंदर तक हिला कर रख दिया। आपको बता दें, श्रद्धा केस में जिस तरीके से श्रद्धा के साथ उसके बॉयफ्रेंड आफताब पूनावाला ने हैवानियत की सारी हदों को पार किया, उसके बाद हर कोई यही सोच रहा था कि किस पर विश्वास किया जाए किस पर नहीं। वैसे आपको बता दें, श्रद्धा की तरह हिंदुस्तान में तमाम ऐसी औरतें हैं जिनके साथ रोज ये घटनाएं होती हैं। अब हाल ही में स्त्री फिल्म एक्ट्रेस फ्लोरा सैनी अपनी एक्टिंग और खूबसूरती के लिए काफी मशहूर है, लेकिन जब #MeToo आंदोलन सामने आया तो उस टाइम पर अपनी आप बीती सुनाने वालों में फ्लोरा सैनी का नाम भी शामिल था। फ्लोरा एक बार फिर अपने साथ होने वाले घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न पर बात करने को लेकर सुर्खियों में है। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में अपनी लाइफ के उस बुरे दौर को याद किया जब उनके बॉयफ्रेंड ने उनके साथ मारपीट की। आपको बता दें, फ्लोरा के साथ उनके बॉयफ्रेंड का जो रवैया था इतना हैवानियत भरा होता था कि जिसने भी फ्लोरा की कहानी को सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। फ्लोरा ने बताया है कि 2007 में वो एक्स बॉयफ्रेंड के हाथों घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न का शिकार बन चुकी है। हालांकि फ्लोरा सैनी पहली बार मीटू आंदोलन के टाइम पर 2018 में अपने एक्स बॉयफ्रेंड की तरफ से किए गए इस सब हिंसा को लेकर बात कर चुकी हैं। अब फ्लोरा ने इस बारे में खुलकर बात की है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उनके बॉयफ्रेंड ने ना सिर्फ उनके साथ मारपीट की बल्कि उनके माता पिता को भी मारने की धमकी दी। फ्लोरा ने अपने बुरे एक्सपीरियंस को याद करते हुए कहा कि एक रात उसने मुझे इतना पीटा कि मेरा जबड़ा टूट गया। उसने अपने पिता की फोटो ली और मुझे चेतावनी दी कि मैं पिता की कसम खाता हूँ कि मैं आज रात तुम्हें मार डालूंगा। जब वो फोटो फ्रेम को वापस रखने के लिए पीछे मुड़ा तो एक सेकंड के उस अंश में मेरी माँ की आवाज मेरे कानों में गूंज उठी कि ऐसे पल में तुम्हें भागना पड़ेगा, बस भाग, मत सोचो कि कपड़े पहने हैं या फिर नहीं, पैसे हैं या फिर नहीं, बस भाग जा। मैं अपने घर भागी और मैंने फैसला किया मैं कभी वापस नहीं जा रही हूँ। फ्लोरा सैनी ने अपने इंटरव्यू में जिस तरीके से बॉयफ्रेंड की तरफ से की गई हिंसा के बारे में बताया, उसके बाद लोग फ्लोरा सैनी के बारे में काफी बातें कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि उस टाइम पर फ्लोरा ने बहुत ज्यादा हिम्मत दिखाई और उस रिश्ते से बाहर निकलकर वो अपने माता पिता के पास चली गई, लेकिन श्रद्धा को इस चीज का मौका भी नहीं मिला। श्रद्धा को जिस तरीके से आफताब पूनावाला ने इतनी दर्दनाक मौत दी, श्रद्धा के शरीर के 35 टुकड़े करने के बाद गार्बेज बैग में उसको भरकर जिस तरीके से आफताब पार्क और जंगलों में फेंक कर आता था, ये कहानी जिसने सुनी उसके रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन अब एक बार फिर से फ्लोरा सैनी ने जिस तरीके से अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बातें बताई हैं उसको लेकर ये तो साफ हो गया है कि हिंदुस्तान में कई सारी ऐसी लड़कियां हैं जो अभी तक इस सब को झेल रही हैं, लेकिन अपने माता पिता, अपने रिश्तों की वजह से, अपनी इज्जत की वजह से खुलकर नहीं बोल पाती हैं। फ्लोरा सैनी ने जिस तरीके से अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में एक्स बॉयफ्रेंड को लेकर तमाम बातें कही, हैवानियत की हदों के बारे में बताया, उस पर क्या राय है आपकी, जल्दी से हमारे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। अगर आपने अभी तक फिल्मी बीट को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।